दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आ रहा है इज वॉचिंग, इज वॉचिंग आ रहा लिखा हुआ। बबीता मेयर इज वॉचिंग। शुक्राना गुरु जी। चलिए अब आ रहा है या नहीं आ रहा, हम अरदास करते हैं अपने गुरु जी महाराज जी के लिए। सबसे पहले आइए हम अरदास करते हैं, आप भी मेरे साथ अरदास करिएगा। अब आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है मुझे पता नहीं है। जब भी हमारे ऊपर कोई भी बुरी घड़ी आती है, कोई भी गलत समय आता है, कष्ट वाला टाइम आता है ना, तो तब हमें अपने परमात्मा से अरदास करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का अमृत कीर्तन है, इसमें से मैं आज अरदास कर रही हूँ आपके सामने। औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले, सास सास प्रत पाले, प्रभ सियो लाग रयो मोरा चीत, प्रभ सियो लाग रयो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, औखी कड़ी ना देखण दे, मन बिलास पए साहिब के, मन बिलास पए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, और मुझे स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप लोग जय गुरु जी लिख रहे हैं या देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज गुरु जी का इतना ही हुक्म है, मैंने सत्संग बहुत प्यारे आज लिखे हुए थे, लेकिन मैं अब इसको कल चलाऊंगी, कल जब मंगलवार है आपके साथ आऊंगी शाम को 8 बजे, बहुत सारे सत्संग लेकर आऊंगी। अभी हम गुरु जी का एक बहुत प्यारा भजन सुनते हैं, आइए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि सबको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। बिन्नी बिन्नी बिटिया का भजन है, बहुत प्यारा। अब नजर आया जय गुरु जी लिखा हुआ। आंटी आपने इतनी देर लगा दी लिखने में। पूजन
साथ में। गुरु जी बहुत खुश है, सबको खुशी दे रहे हैं। सब गम भूल जाओ और गुरु के साथ नाचो। दो घड़ियां प्रभु के साथ नाच लीजिए, आनंद मना लीजिए। संगत जी ये घड़ियां बार बार नहीं मिलती हैं, दो घड़ियां प्रभु के साथ आनंद मगन हो जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। देखिए जैसे ही मैंने गुरु जी आए तेरे द्वार लगाया तो यहाँ पे सबने जय गुरु जी दिखाई देना शुरू हो गया। पता नहीं क्या हुआ था, कुछ स्क्रीन पे नजर ही नहीं आ रहा था संगत जी, और मैं तो घबरा गई। मैंने कहा गुरु जी आज लगता है, हर रोज कहती हूँ कि गुरु जी कहते हैं तेरा सत्संग कोई सुने ना सुने, मैं सुन रहा हूँ, आज तो लगता है सिर्फ गुरु जी सुन रहे हैं। तो मुझे लगा कि अनु आंटी ने इतना प्यारा इतना पॉजिटिव सत्संग किया आज, और सच में संगत जी बड़े बुजुर्गों के जो होते हैं सीनियर सिटीजन के एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो कोशिश करेंगे उनको बार बार